तो गाइस सुबह हो चुकी है और मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह जाने का जिम में, और ऐसे वैसे जिम नहीं, मैं जाऊंगा लॉस सैंटोस के बीच पर जो जिम है ना, उधर जाके जिम करूंगा। उधर जाके जिम करने का कुछ अलग ही मजा है। चलो फटाफट से अपना हेलमेट पहनते और निकलते जिम के लिए। आज तो बहुत सारी एक्सरसाइज। अरे ये कौन है? अरे वो नंगे अंकल, मुझे क्यों मार रहे हो? क्या हो गया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। अरे अंकल पर हुआ क्या? मुझे क्यों मार रहे हो? रोज शाम को मेरी बेटी जब कॉलेज जाती है उसको देखता है। रुक जा काले लड़के। अरे अंकल क्या यार, मैं कौन सी बेटी देख रहा हूँ? अरे सॉरी अंकल यार, जाओ यहाँ से। अरे ये तो बहुत ही तेज मार रहा है। नीचे उतर, आज मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा। नहीं मैं नहीं आऊंगा। नीचे आ। नहीं आऊंगा। जल्दी नीचे आ। मैं नहीं आऊंगा अंकल। अंकल जब तक आप घर नहीं जाओगे मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अबे ये क्या हो गया? ये क्या चीज है? अरे ये तो शार्क है, ये कहाँ से आ गई? अबे ये क्या होता, मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा। अंकल अंकल आप ठीक तो हो ना? अरे अंकल को क्या हो गया? लगता है अंकल बेहोश हो चुके हैं। चलो इसको छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ जिम। चलो गाइजर फटाफट से चलते हैं जिम और फटाफट से बॉडी बनाते हैं। तो गाइजर अभी हम बस बीच पर पहुंचने वाले हैं। आज तो बहुत ही तगड़ा वाला जिम करने वाले, बॉडी बनाने वाले, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये क्या, आज जिम में कोई है क्यों नहीं? इतना ज्यादा खाली जिम तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पता नहीं कितने सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इतना खाली तो आज तक कभी नहीं था। अबे यहाँ पे रो क्यों रहे? अरे भैया क्या हो गया? अरे भैया क्या हो गया? अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ यहाँ से। अरे क्यों चले जाओ? इतना ज्यादा जिम खाली है, आज तो मैं बहुत देर जिम करूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी शार्क बना देंगे। मुझे भी शार्क बना देंगे? अरे अंकल क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या, लॉस सैंटोस में शार्क वायरस फैल रहा है। सारे के सारे लोग शार्क बनते जा रहे हैं, और वो जिसको भी खा रहे हैं वो भी शार्क बन जा रहे हैं। यहाँ से भाग जाओ। अरे ऐसा तो ना होता है, ऐसे किसी खाने से कोई शार्क तो ना बनता है। मैं तो जा रहा हूँ वर्कआउट करने। ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है। चलो बड़ा व्हाट्सएप में तो वर्कआउट कर। अरे काइजर एक सेकेंड, अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये तो सही में शार्क है। अबे ये कहाँ से आ रही है? अरे वो अंकल कहाँ चले गए? लगता है ये शार्क उनको खा गई, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे चालू हो जाओ माइक। अरे काइजर ये शार्क तो मेरे पीछे ही आ रही है। अरे मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसका मतलब वो अंकल बिल्कुल सच कह रहे थे, लॉस सैंटोस में सही में एक शार्क वायरस फैल रहा है। उस शार्क ने अंकल को खा लिया, मतलब वो अंकल भी शार्क बन गए होंगे। रुको रुको मुझे देखना पड़ेगा। अरे ये तो इधर आ गई। अरे यार ये तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, क्या ये शार्क मेरे को सूंघ भी सकती है क्या? अरे काइजर ये क्या चीज है, ये तो मेरे पीछे पीछे ही पड़ गई है। ये शार्क है पर इंसान की तरह। ये देखो ये सीढ़ियां भी चढ़ पर है। अरे अब क्या करूं, कहां जाऊं? जल्दी से कूदना पड़ेगा यहां से, बचा। अरे कहां गिर गया, कचरे के डब्बे के ऊपर। अरे काइजर मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, ये इतनी खतरनाक शार्क कहां से आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये सीढ़ियों पे भी चढ़ पा रही है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे काइजर मुझे यहां से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। अरे ये क्या, ये शार्क तो मेरे पीछे आ रही है। अरे सॉरी सॉरी शार्क, अरे मैंने क्या किया, मुझे मत मारो। अरे ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कहां जाऊं? लगता है मुझे इनको मारना पड़ेगा। ये सोनो ये लो। अरे ये तो मुझे खाना चाहती है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। अरे अंकल इधर मत आओ, भागो। अरे गलती से अंकल को मार दिया, अंकल सॉरी। अरे क्या है करे जा रही है इनकी तो, ये ले एक को मार। तो कैसे एक को तो मैंने मार दिया, इन सबको मुझे मारना पड़ेगा, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे ये क्या, ये तो फिर से खड़ा हो गया। अरे ये तो मर भी नहीं रहे। इनको लगता है मैं इनसे डर जाऊंगा, पर मेरे पास खतरनाक सी शॉटगन है। बू बू। अबे इनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, आरपीजी से तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। ये लो सबको उड़ा दिया। और ये क्या, मैं भी मर गया। अरे काइजर क्या ही मैंने मारा, लगता है मैंने सारी शार्क को मार दिया। अरे काइजर ये क्या चीज है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो ये शार्क ने एक चड्ढा पहन रखा है, ये कोई इंसान ही जिसको शार्क ने काट लिया था, और अब वो भी शार्क बन चुका है। मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। रोडो पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सारे के सारे लोग या तो शार्क बन गए या तो लॉस सैंटोस छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूंगा? तो काइजर बचते बचाते कैसे भी करके इतनी सारी शार्क रोड में थी, पर मैं भाग भाग के आ चुका हूँ एवेंजर्स हाउस, और यही सबसे सेफ जगह मेरे लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो कोई भी शार्क यहाँ पे घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे आने में मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं कब से भागे जा रहा था, ना मुझे गाड़ी मिल रही थी ना कुछ मिल रहा था, पर अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई शार्क आने का चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। एवेंजर्स एवेंजर्स मुझे बचा लो। अरे ये क्या,
यहाँ पर भी शार्क है, भागो। अरे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन रुक जाओ, ये शार्क जेल में बंद है, ये कुछ नहीं करेगी। क्या कुछ नहीं करेगी? अरे ये क्या कोई म्यूजियम है, इनको जेल में डाल रखा है, इनको बाहर छोड़ गया हो ना। अरे फ्रैंकलिन, हम इनको बाहर नहीं छोड़ सकते। अरे क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ये थॉर, कैप्टन अमेरिका और हल्क है। क्या ये शार्क थॉर, कैप्टन अमेरिका और हल्क है? अरे भागो ऐसे। हाँ फ्रैंकलिन, वो तीनों पिकनिक मनाने बाहर गए थे और वो तीनों शार्क बन चुके हैं। क्या तीनों शार्क बन गए? अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है सब ठीक करने का? नहीं फ्रैंकलिन, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगर ये इतने सारे शार्क इधर घूमेंगे तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तुझे स्कूल की पड़ी है, मेरी हालत देख, मेरी हालत क्या हो रखी है। अरे फ्रैंकलिन, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, जब तक हम कोई आइडिया सोचते हैं। अच्छा ठीक है, मैं फटाफट से कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे भाई ये क्या है भाई, क्यों डरा रहे हो? चलो फटाफट से कपड़े चेंज करके आते हैं। A few moments later. तो गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, फटाफट से आयरन मैन के पास चलते हैं। आयरन मैन, कोई आइडिया मिला क्या? फ्रैंकलिन, हमें आइडिया तो नहीं मिला, पर ये वीडियो जरूर मिली है। वीडियो? कौन सी वीडियो? इन सारे शार्क के बॉस की, ये देखो। मेरी शार्क्स, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को शार्क्स में कन्वर्ट कर दो। एक बार पूरा लॉस सैंटोस शार्क में बन जाए, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, एवेंजर्स भी नहीं। अरे ये क्या मतलब, कोई एक जना सारे के सारे इंसानों को शार्क में कन्वर्ट कर रहा है? हाँ फ्रैंकलिन, वो एक जना सारे के सारे शार्क में कन्वर्ट कर रहा है सारे इंसानों को, हमें उसे रोकना पड़ेगा। अरे पर हम उसे कैसे रोकेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं उसे रोक लूंगा। क्या हल्क बस्टर, तुम उसे रोक सकते हो? हाँ मैं एक हल्क बस्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हल्क बस्टर जल्दी जाओ और उस शार्क के बॉस को चटनी चटा दो। ओके बॉस, आप टेंशन मत लो, शार्क के बॉस को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस शार्क के बच्चे को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे लॉस सैंटोस वासियों को परेशान कर रहा है, आ रहा हूँ मैं। इस शार्क के राजा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने पूरे लॉस सैंटोस में शार्क वायरस फैलाया है। मैंने शार्क वायरस फैलाया है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले मेरी शार्क्स, अटैक करो। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आयरन मैन मुझे बचाओ। आयरन मैन को इसकी फोटो भेजो और इसको भी शार्क में कन्वर्ट कर दो। अरे फ्रैंकलिन, मुझे अभी भी मैसेज है, हल्क बस्टर को भी शार्क वालों ने पकड़ लिया है और उसको भी शार्क में कन्वर्ट कर दिया है। क्या हल्क बस्टर को भी पकड़ लिया? अरे हल्क बस्टर तो हम सब में से खतरनाक था, अगर उसको भी पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? अरे फ्रैंकलिन, मुझे तो समझ नहीं रहा हम क्या करेंगे। अरे क्या करें क्या करें? फ्रैंकलिन भैया, अब आपको हमें बचाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे मैं कैसे बचाऊंगा, सुपर हीरोज तो तुम हो, मैं कैसे बचाऊंगा? एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। अरे फ्रैंकलिन क्या आइडिया है? मेरे पास एक घर पे मैजिकल बोर्ड है, मैं उस पर जो भी बनाता हूँ वो रियल लाइफ में आ जाता है, तो अगर उस मैजिकल बोर्ड पे मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो कि सारे के सारे शार्क को खत्म कर दे तो हम उसको हरा सकते हैं। अरे फ्रैंकलिन पहले क्यों नहीं बताओ? अरे फ्रैंकलिन पहले क्यों नहीं बताया? जाओ फटाफट से बोर्ड लेके आओ। अरे क्या जाओ, इतनी ज्यादा खतरनाक जगह मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम सब मेरे साथ चलो। अरे मुझे डर लगता है, मैं नहीं चलूंगा। हाँ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। स्पाइडरमैन एक काम करो, तुम जाओ। मुझे नहीं जाना, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनो, अगर हमें सारी की सारी शार्क्स को लॉस सैंटोस से भगाना है तो हमें मेरे घर चलना ही पड़ेगा, वो भी साथ में। क्या तुम तैयार हो? ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। तो चलो फिर, तो काइजर अभी हम जाने वाले मेरे घर पे, क्योंकि काइजर मेरे पास एक खतरनाक सा मैजिकल बोर्ड है जिस पर हम जो भी ड्रॉ करते हैं वो रियल लाइफ में आ जाता है, तो हमें कुछ ऐसा खतरनाक बनाना पड़ेगा जिससे हम उन सारी की सारी शार्क्स को हरा पाए। चलो फटाफट से अभी तो हम टैंक के अंदर बैठने वाले आयरन मैन और स्पाइडर मैन के साथ। तो काइजर हम यार नॉर्मल गाड़ी में जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है वो शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम इस टैंक के साथ जाने वाले। अभी आयरन मैन भी बैठ चुका है, स्पाइडर मैन भी बैठ चुका है, चलो फटाफट से चलते हैं। हमें अपने घर पहुंच के उस मैजिकल बोर्ड को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद इन शार्क की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। चलो फटाफट से घर पे चलते हैं। तो गाइस अभी लॉस सैंटोस का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, अगर आप इस माहौल को थोड़ा सा भी अच्छा करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट कर दो सारी की सारी शार्क भाग जाओ लॉस सैंटोस छोड़ के, शार्क हमारा लॉस सैंटोस छोड़ो, फटाफट से कमेंट कर दो और अपन चलते मेरे घर पे। तो गाइस बस अब अपने घर पे पहुंचने वाले।
हाल है। और गाइस ऊपर देख सकते हो कितने सारे प्लेन उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ लॉस सेंटोस छोड़ के जा रहे हैं। अरे ये क्या, मेरे घर के यहाँ पे तो शार्क ही शार्क हो चुके हैं, इन सबको मुझे मारना पड़ेगा, मेरे घर से दूर जाओ, इनमें से किसी को भी छोड़ूंगा, ये मेरे घर के पास फैल गए। अरे फ्रैंकलिन, हमें जल्दी से घर के अंदर घुसना पड़ेगा। जल्दी से घुसते हैं तो चलो फटाफट से चलते हैं। पहले तो इन शार्क की ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकलो। चलो अब ये मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं, ये ले मेरे घर में घुसेगा। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, फटाफट से अंदर आ जाओ, तू कैसे, मुझे बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ेगा। अरे चौंप दो, ठीक तो है ना। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। तू कैसे, मुझे देखना पड़ेगा कि घर के अंदर पहले से कोई शार्क वार्क तो नहीं घुस गई। ये देखो यहाँ का गेट भी खुला हुआ है, तो शार्क यहाँ से घुस सकती है। यहाँ पर मुझे कोई दिख तो नहीं रहा। चलो कोई नहीं है। अरे फ्रैंकलिन जल्दी से अपना मैजिकल बोर्ड लाओ, जल्दी लाओ, हमें लॉस सेंटोस को बचाना पड़ेगा। हाँ बस 2 मिनट, मैं अपना बोर्ड ढूंढ लूँ, कहाँ पर रखा है मैंने, इधर ही कहीं पे रखा था, कहाँ पर है। अरे फ्रैंकलिन मिल गया क्या? अरे रुको, आयरन मैन थोड़ा ढूंढने दो यार, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अरे कैसे, मैजिकल बोर्ड पता नहीं कहाँ पर पड़ा है, मुझे याद ही नहीं है कहाँ पर है, यहाँ पर है क्या? अरे ये तो गलत चीज, इधर नहीं रुकना। अरे कहाँ पर है मेरा मैजिकल बोर्ड, मुझे लॉस सेंटोस को बचाना है। मिल गया, तो कैसे मेरा मैजिकल बोर्ड मिल चुका है। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, मुझे मैजिकल बोर्ड मिल चुका है, बताओ क्या करना है। अरे फ्रैंकलिन जल्दी से ऐसा कुछ बना दो जिससे मुझ शार्क को लॉस सेंटोस से दूर भगा पाए। लॉस सेंटोस से दूर भगाए, ऐसा क्या बना सकता हूँ मैं, रुको मेरे पास एक आइडिया है। तो कैसर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइडिया है, और मैं उसको बनाने वाला हूँ। इससे उस खतरनाक से शार्क मॉन्स्टर की तो पक्का ऐसी की तैसी होने वाली है, और उसके जो बच्चे ना छोटे छोटे शार्क उनको भी बहुत ही बुरा मारेंगे। तो कैसर अगर आपको समझ आएगा कि हम क्या बना रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। मैं बनाने वाला हूँ एक खतरनाक सी मिनी गन। जी हाँ, एक खतरनाक सी मिनी गन बनाएंगे जिससे उस शार्क मॉन्स्टर को करके मार देंगे। तो कैसर देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं, क्योंकि कलर वाली मिनीगन ज्यादा अच्छी होती है। ये कैसा रहेगा? अरे फ्रैंकलिन क्या बोल रहे हो, मिनीगन से तो ना मरेंगे, वो शार्क मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक है, उसने हमारे हल्क बस्टर को मार दिया, उसके अंदर तो मिसाइल, लेजर सब कसम है, ये काम नहीं करेगी, कुछ खतरनाक बनाओ। कुछ खतरनाक? अच्छा ठीक है रुको। तो कैसे आयरन मैन और स्पाइडरमैन को ये आइडिया तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे बात तो सही है यार, वो हल्क शार्क कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर उसके ऊपर मिनीगन चलाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो कैसे मेरे पास एक और खतरनाक सा आइडिया आ चुका है। शार्क रहते हैं पानी में, और पानी का दुश्मन सबको पता है। अगर गाइस आपको पता है पानी का दुश्मन क्या होता है, तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैं वही बनाने वाला हूं। तो गाइस फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली फायर यहां पे मैं बनाऊंगा, जिससे वो शार्क डर-डर के भागेंगे और यार लॉस सेंटोस छोड़ के चले जाएंगे। ये देखो ये आग कैसी रहेगी। अरे फ्रैंकलिन तुम मजाक क्यों कर रहे हो, इस आग का क्या करेंगे? अरे वो शार्क है, मतलब वो पानी में रहता है, और पानी का सबसे बड़ा दुश्मन है आग। अगर आग उसके पास लेके जाएंगे तो वो पिघल जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भूल गए क्या, वो लॉस सेंटोस की जमीन के ऊपर घूम रहा है, लॉस सेंटोस में इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है फिर भी वो घूम रहा है। हाँ यार बात तो सही है, मतलब ये आग भी काम नहीं करेगी। रुको मुझे कुछ सोचने दो। अरे फ्रैंकलिन कुछ खतरनाक सा बनाओ जिससे हम उसको हरा पाए। कुछ खतरनाक सा जिससे हम उसको हरा पाए, क्या बनाऊं? रुको मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक सबसे खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ। तो कैसर अब आप देखना मैं क्या बनाने वाला हूँ। पहले तो होगी उसकी बहुत ही ज्यादा मसल्स, क्योंकि उन शार्क के राजा को इस बार हम हरा के रहेंगे, ऐसी चीज मैं बनाने वाला हूँ। ये देख सकते हो उसके हाथ में कितनी ज्यादा मसल्स है, अब उसकी ये कमर हमने बना दी। तो कैसर मैं सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ, जो आपने आज तक कभी देखी भी नहीं होगी। चलो कैसर इसके भी पैर यहाँ पर बन चुके हैं, इसका चड्ढा देख सकते हो थोड़ा सा फटा हुआ है, पर कोई बात नहीं। और गाइस इसके अंदर होगी इतनी ज्यादा एनर्जी कि इसके अंदर से एनर्जी पूरी की पूरी बहने वाली है। और गाइस इसका मुंह भी बन चुका है, और आप देख सकते हो साइड मैंने शार्क जैसे और उसके हथियार भी बना दिए, और इसके मुंह के जो दांत होंगे वो बिल्कुल शार्क जैसे होने वाले, तिखोने। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरी ड्राइंग आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसकी नाक भी बन गई और इसकी आंख भी बन गई। और गाइस फटाफट से इसके अंदर कलर डालते हैं और इसको बनाते हैं खतरनाक सा मॉन्स्टर, जो कि हराएगा हमारे किंग शार्क को। तो कैसर अभी आप देख सकते हो उसको पूरा का पूरा ग्रीन करने वाले हैं, इसके हाथ पैर सब ग्रीन कर दिए, और इसके एनर्जी निकलेगी बहुत ही खतरनाक। इसका चड्डी का कलर होगा ब्लू, इसका मुंह का कलर होगा लाइट ब्लू, आंखें हमने कर दी, और इसके दांत में करने वाला हूं रेड, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और कैसर हमारी ड्रॉइंग कंप्लीट हो चुकी है, क्या आप इसको देखने के लिए तैयार हो? 3, 2, 1। ये देखो ये हराएगा हमारे शार्क मॉन्स्टर को। अरे फ्रैंकलिन ये तो खुद
आते शार्क है। ये शार्क है पर ये अच्छा शार्क है, इसका नाम है हल्क शार्क। इसको मैंने बनाया है इसलिए मैं जो भी बोलूंगा ये हमारी बात मानेगा। क्या सचमुच फ्रैंकलिन भैया? तो इसको फटाफट से बोल दो शार्क मॉन्स्टर को मारने के लिए। तुम टेंशन मत लो स्पाइडरमैन, हल्क शार्क तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस हल्क शार्क के सूट के अंदर जाने वाला हूँ और गाइस फिर सारी की सारी हल्क शार्क की शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी और उसके बाद मैं उस शार्क मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा। चलो गाइस फटाफट इस सूट को पहन लेते हैं। और आयरन मैन स्पाइडरमैन कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे फ्रैंकलिन तुम तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हो, जल्दी जाओ और सारे के सारे शार्क को लॉस सेंटोस से बाहर फेंक दो। तुम टेंशन मत लो, मैं सारे के सारे शार्क्स को इस लॉस सेंटोस से बाहर फेंकने वाला हूँ और शुरुआत मैं करने वाला हूँ अपने ही घर से। तो गाइज़र इन शार्क की ऐसी की तैसी, ये देखो देखो कैसे भाग रहा है। रुक जा तेरे सारे परिवार वालों को आज मैं मारने वाला हूँ। अरे एक सेकेंड, मैं सारे शार्क को क्यों मार रहा हूँ? इनको मैं नहीं मार सकता क्योंकि गाइज़र आखिरकार ये है तो इंसान ही ना, इन सारे लोगों को खा के शार्क में कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइस मुझे इन मासूम शार्कों को नहीं मारना है, मुझे सीधा उस शार्क मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। ये सब लोग तो मासूम लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। शार्क मॉन्स्टर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कौन सा नया प्राणी है? ये शार्क तो बहुत खतरनाक लग रही है। शार्क मॉन्स्टर मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये क्या, ये तो मुझे मारने की बातें कर रहा है। हाँ मैं तुझे मारने की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह एक गंदा शार्क नहीं हूँ, मैं एक अच्छा हल्क शार्क हूँ और मैं इस लॉस सेंटोस को बचाना चाहता हूँ। जितने भी लोग अभी तक लॉस सेंटोस को बचाना है वो खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, तुम भी मरना चाहते हो लगता है। मैं उन सब लोगों की तरह नॉर्मल सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं हूँ एक खतरनाक हल्क शार्क और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये क्या कर रहे हो? मैं तुझे मारने वाला हूँ, ये ले। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ये पत्थर का। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया। ये ले हल्क शार्क के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे गाइज़र इसमें शक्तियाँ तो है, मैंने सोचा था ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा पर मैंने जो इतना सोचा था उससे तो ये ताकतवर है। पर कोई बात नहीं, मैं भी एक हल्क शार्क हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे से लड़ना चाहते हो? तुमको पता नहीं है मैंने आज तक 1 मिलियन शार्क प्रोड्यूस करिए अपने इन दांतों से। मैं सारे इंसानों को खाता हूँ और वो लोग बन जाते हैं खतरनाक सी शार्क। मैं तुम्हारे पूरे लॉस सेंटोस को शार्क में कन्वर्ट कर दूंगा, तब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। शार्क में तू जब कन्वर्ट करेगा ना, जब तू जिंदा बचेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तू मुझे रोक भी नहीं सकता, मैं तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो ये ले। तू कहा ये शार्क मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा बोल रहा है और मुझे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है। अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तुम बस बोले जा रहे हो गुस्सा आ रहा है पर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। गाइज़र अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है, ये कब से बोले जा रहा है मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। कहा जा रहा है, रुक जा शार्क। तो गाइज़र इसको फटाफट से पकड़ते हैं, इसको भी मैंने बेहोश तो कर दिया है। और गाइज़र इसको मैं लेके जाने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पे एक और शार्क घूम रही है। अरे भाई ये देख ले, तेरा बॉस मेरे पास है, अब तुम नहीं बचने वाले। तो गाइज़र फटाफट से इसको आयरन मैन और स्पाइडरमैन के पास लेके चलते हैं और इस शार्क मॉन्स्टर की सारी पावर्स गायब करते हैं। आयरन मैन स्पाइडरमैन मैं शार्क मॉन्स्टर को ले आया, फटाफट से शक्तियाँ गायब कर दो। फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया, तुमने लॉस सेंटोस को बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अगर हमें शार्क मॉन्स्टर के सारी पावर्स को निकालना है तो हमें एक वॉशिंग मशीन चाहिए होगी। वॉशिंग मशीन के अंदर हम डाल के इसको गोल गोल घुमाएंगे और इसका सर चकरा जाएगा और इसकी सारी पावर्स चली जाएगी। क्या वॉशिंग मशीन चाहिए? रुको अभी लाता हूँ वॉशिंग मशीन। तो गाइज़र शार्क के राजा की सारी पावर निकालने के लिए हमें एक बढ़िया सी वॉशिंग मशीन चाहिए। तो अभी के अभी फटाफट से बढ़िया वॉशिंग मशीन बनाते हैं जिसमें हम उसको धोएंगे, मतलब गोल गोल घुमाएंगे, साबुन डालेंगे, सब का सब डालेंगे उसको, बहुत ही बुरा हम धोने वाले हैं। इसको यहाँ बना दिया, फटाफट से वॉशिंग मशीन का गेट भी लगा देते हैं ताकि वॉशिंग मशीन बंद करके उसको धोएंगे। अब फटाफट थोड़ा कलर वगैरह डाल लिया जाए, उससे पहले अंदर बहुत सारा साबुन सर्फ शैम्पू सब का सब डाल देंगे ताकि उसको अच्छी तरह धो पाए। और ये हमारा मस्त कलर आ गया, ये कलर इसको गेट को भी कलर कर देते हैं और अंदर शैम्पू को भी तो कलर करना है। रुको फटाफट शैम्पू को भी हमने कलर कर दिया और गाइस हमारी वॉशिंग मशीन हो चुकी है रेडी। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमने एक खतरनाक सी वॉशिंग मशीन बना ली है। फटाफट
इसको अंदर डालते हैं। तो गाइस अभी हमने इसको पूरा का पूरा अंदर फिट कर दिया है, चलो शुरू करते हैं। और गाइस आप देख सकते हो हमारा ये खतरनाक सा शार्क मॉन्स्टर अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर घूम रहे हैं। शार्क मॉन्स्टर कैसा लग रहा है? चलो गाइस हमने शार्क मॉन्स्टर को हरा दिया। फ्रैंकलिन हमने शार्क मॉन्स्टर को तो हरा दिया पर लॉस सैंटोस में इंसानों की कमी हो चुकी है। हर जगह सिर्फ शार्क शार्क घूम रही थी और शार्क मॉन्स्टर को मारने के बाद वो भी खत्म हो गई। लॉस सैंटोस में अब कोई नहीं बचा। क्या लॉस सैंटोस में कोई नहीं बचा? तुम्हें इंसान बनाने पड़ेंगे। क्या इंसान बनाने पड़ेंगे? अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं इंसान बनाता हूँ। सबसे पहले बनाएंगे एक लड़का, फिर बनाएंगे एक लड़की। तो गाइस अभी लॉस सैंटोस में बहुत ज्यादा इंसानों की कमी हो गई, पूरी पॉपुलेशन बन चुकी थी शार्क, और अभी हमने शार्क किंग को हरा दिया तो वो शार्क सारे सारे गायब हो चुके हैं। तो गाइस लॉस सैंटोस की पॉपुलेशन बढ़ाना भी मेरे हाथ में, तो फटाफट से बहुत सारे लोग मैं बनाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बनाने वाले लड़के, मतलब अंकल बच्चे बूढ़े सबके सब अभी इसी बारी में बनने वाले। और गाइस अभी आप देख सकते कितना मस्त मैंने इनको बना दिया, मस्त शर्ट पहना दिए, बाल बिल्कुल ढंग से कर दिए, इसको कलर करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने कलर के हिसाब से पैदा होने वाले हैं। चलो गाइस और ये हमको चाहिए 1000, हाँ हमको चाहिए 1000 मेल्स, नहीं 10,000। तो गाइस हमने 10,000 लड़के बना दिए, अब बारी लड़कियों की, फटाफट से बड़े बड़े बाल बनाएंगे और इनकी फटाफट से पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं। ये फ्रॉक इनको पहना देते हैं और ये इनका पैर, फटाफट से इनको जूते पहनाते हैं। कैसी लग रही फटाफट से कमेंट करके बताओ हमारी ड्रॉइंग। और ये रहे इनके हाथ, ये भी इनका हाथ, इनको भी हम कलर नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से पैदा होंगे। और गाइस इनका फटाफट से मुंह बना है और ये भी हमको चाहिए 10,000 लड़कियां। अरे बाप रे भैया, आपने तो पहले जैसा सबका सब नॉर्मल कर दिया। थैंक यू स्पाइडरमैन। तो गाइस हमारा काम हो चुका है और हमने लॉस सैंटोस में सबका सब पहले जैसा नॉर्मल कर दिया है। सबका सब पहले जैसा हो चुका है बस मेरे अलावा, मैं बन चुका हूं ये खतरनाक सा हल्क शार्क। और मैं सोच रहा हूं मैं हमेशा यही बना रहा हूं, ये मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मेरी शक्तियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या मुझे हल्क शार्क बने रहना चाहिए या फिर मुझे वापस से फ्रैंकलिन बन जाना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।